मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के लीडरशिप कॉन्क्लेव 2023 के समारोह में राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर सीपी जोशी साहब, इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री आईवी द्विवेदी जी, इस विद्यालय के डीन पीके सिंह जी, इस कॉन्क्लेव की निदेशक डॉक्टर मंजू बागमार जी, देवेंद्र श्री माली जी यहां पर आए, अलग अलग क्षेत्र के सभी विशिष्ट अतिथिगण, इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्राध्यापक, मेरे नौजवान विद्यार्थी साथियों, उदयपुर की यह धरती वीरता, अद्भुत साहस, स्वाभिमान, त्याग और तपस्या की धरती है। जब मेवाड़ का नाम आता है तो निश्चित रूप से राजस्थान के हर वासी को गर्व होता है, और इसीलिए राजस्थान की वीरता और शूरता की, त्याग तपस्या, आध्यात्मिक धरती में इस मेवाड़ के वजह से पहचान बने के बहुत बड़ा योगदान इस महाराणा प्रताप की धरती का है। आप सबका सौभाग्य है कि आप इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, और मुझे खुशी है माननीय मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब, जिनका राजस्थान के नवनिर्माण में बड़ा योगदान रहा, राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक रूप से परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान रहा, उनके नाम से विश्वविद्यालय है, और विश्वविद्यालय उनके नाम से होने के कारण उनके जीवन दर्शन से, उनकी राजनीति नेतृत्व क्षमता से निश्चित रूप से हम सबको एक नई दिशा मिलती है, और इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे, यहां प्रोफेसर रहे, और सीपी जोशी साहब को एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, राज्य के विधानसभा का अनुभव है, संसद का अनुभव है, मंत्री परिषद के रूप में, राज्य के मंत्री परिषद के रूप में, केंद्रीय मंत्री परिषद के रूप में, राज्य के संगठन के रूप में, केंद्र के संगठन के रूप में एक लंबा अनुभव है उनका, और हमारे पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के, हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक सदस्य हैं, और समय समय पर अपने बेबाक विचार, संसदीय लोकतंत्र, उसकी भूमिका के बारे में वो तटस्थ रूप से अपने विचारों को रखते रहते हैं, और जीवन में राजनीति क्षेत्र के अंदर विचारों को रखना, चर्चा करना, संवाद करना, अपने विचारों की अभिव्यक्तियों के माध्यम से देश की जनता को बताना, और इन्हीं विचारों के माध्यम से एक दिन परिवर्तन होता है, और हमारे आजादी के पहले हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, कितने लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी,
कितने नौजवानों ने अपने नौजवान जवानी दी, और एक लंबे संघर्ष के बाद जब आजादी मिली तो आजादी के पहले हमारे विचारों में लोकतंत्र था, और इस जनमानस को विचारों के माध्यम से ही जन आंदोलन बनाकर हमने आजादी प्राप्त की, और इसीलिए भारत के जनमानस के अंदर उनके विचार में, उनकी कार्यशैली में, कार्य संस्कृति के अंदर हमेशा लोकतंत्र रहा है। लोकतंत्र विचारों का आदान प्रदान करना, चर्चा करना, और चर्चा संवाद के बाद जो निर्णय होता है उसको सर्वसम्मति से मानना। और जब आप प्राचीनतर लोकतंत्र को पढ़ेंगे तो जो भी लोकतंत्र के उदाहरण है उनमें आपको लगेगा कि आजादी के पहले गांव के अंदर, ग्राम सभाओं में, कमिटियों के अंदर इस तरीके की लोकतंत्र की व्यवस्थाएं थी, और इसीलिए इतने बड़े जनमानस को जन आंदोलन में पकड़ने के लिए लोकतंत्र की भूमिका उस समय भी रही थी कि चर्चा संवाद करना, लगातार लोगों को विचारों को संप्रेषण करना। और आज भी आजादी के बाद इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने इस लोकतंत्र के माध्यम से ही भारत में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किया, और उस लोकतंत्र में नेतृत्व की विशेष भूमिका रहती है, और विशेष रूप से जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है वो किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में भी हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र में भी हो सकता है, युद्ध के मैदान में हो सकता है, सेनापति के रूप में हो सकता है, अपने मैनेजमेंट में हो सकता है, अपने कार्य क्षेत्र में हो सकता है, हर क्षेत्र में नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और जहां कुशल नेतृत्व रहा, जहां नेतृत्व में कुशलता रही, दूरदर्शिता रही, समय पर निर्णय करने की क्षमता रही, नैतिक पूर्ण तरीके से चलने की दिशा की ओर चलते हुए उस समय की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय करना, उसके कारण नेतृत्व की भूमिका हमेशा हमारे समाज जीवन में रही है। और इसीलिए लीडरशिप हमारे जन आंदोलन का हमेशा हिस्सा रहा है। आप देख लें, कोई भी समस्या हो, कोई भी चुनौतियां हो, कोई भी आपदा हो, कोई भी संकट हो, हर चुनौतियों, आपदा, संकट या परिस्थितियों, अनुकूल हो, विपरीत परिस्थितियां हो, उस समय सही दिशा के अंदर सही समय पर सार्थक निर्णय करना, और वह नेतृत्व की बेखूबी होती है जिससे कि वह पूरी दिशाओं को परिवर्तन करने में सक्षम होता है। और ये तो ये महाराणा प्रताप की धरती आपने देखा होगा, महाराणा प्रताप को आज भी भारत में नहीं, दुनिया के अंदर आप चले जाएं किसी भी देश में, सीपी जोशी जी हम भी जाते रहते हैं, तो महाराणा प्रताप की शूरता, वीरता, साहसिक निर्णय, दूरदर्शिता, नेतृत्व की क्षमता, उनका त्याग, तपस्या, कितने वर्षों तक विचारों के रूप में लोगों के मन विचार में चलती है कि किस समय कैसा नेतृत्व होगा, कि आज उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण हिंदुस्तान ने पूरे विश्व के अंदर भारत का गौरव सम्मान बढ़ता है।
इसलिए अपने जीवन के अंदर हमेशा नेतृत्व क्षमता को डेवलप करना, ये आदमी विशेष रूप से नौजवानों के अंदर ये कला होना चाहिए। और सही कहा श्रीमाल जी ने, सीपी जोशी साहब ने भी सही कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो या प्रौद्योगिकी के अलग अलग प्लेटफार्म हो, उन प्लेटफार्म के अंदर कहीं ना कहीं हमारी जो स्वाभाविक नेतृत्व करने की क्षमता थी, हमारा चिंतन था, विचार था, उस चिंतन विचार में कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर होने लगे। ये बात सही है, दो जीवन में इससे होते हैं, एक जानकारी होना, एक ज्ञान होना। जानकारी से कभी आदमी का नेतृत्व बहुत लंबे समय तक नहीं बढ़ता, लेकिन उसका जो ज्ञान है, उसका जो अनुभव है, उस ज्ञान अनुभव का लाभ से वह लंबे समय तक नेतृत्व कर सकता है। हमें इन सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से सब जानकारियां तो मिल जाएगी, जानकारी का दायरा हमारा बड़ा है, हम यहां बैठकर दुनिया को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उनकी कल्चर को जान सकते हैं, उनके सामाजिक आर्थिक हर क्षेत्र को जान सकते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान और अनुभव का तो हमें अपना स्ववेग से आंतरिक ऊर्जा और आंतरिक शक्ति से ही उत्पन्न होगा, जिनमें आंतरिक चेतना आंतरिक ऊर्जा सशक्त होगी, उसकी नेतृत्व क्षमता भी अद्भुत होगी। इसलिए आज बदलते परिपेक्ष के अंदर हमें तकनीकी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन तकनीकी उपयोग के साथ साथ हमारे नौजवानों के अंदर जो भारत का मूल स्वभाव है, भारत के मूल स्वभाव को हम साथ लेकर हमारे चिंतन, सोच, संस्कृति, ज्ञान, आध्यात्मिक, वह हमारा हिस्सा होना चाहिए। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर हर चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत क्यों सक्षम है। हम भौतिक संसाधनों से कम है, आर्थिक संसाधनों से भी कई विकसित देशों में कमी है, लेकिन हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी आंतरिक ऊर्जा, उनका ज्ञान, सोच, चिंतन, आध्यात्मिक, ये ऐसे गुण हैं जिसके कारण हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता अद्भुत है, उनकी कौशल और कुशलता भी अद्भुत है, उनका चिंतन, उनका नया सोच, नया रिसर्च, नया इनोवेशन करने की अद्भुत क्षमता है। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर हमारे नौजवानों की अद्भुत बौद्धिक क्षमता के कारण हम नेतृत्व कर पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा लीडरशिप, हमारी नेतृत्व क्षमता को डेवलप करने का प्रयास हमें करना चाहिए। मुझे खुशी है विश्वविद्यालय ने एक नए सब्जेक्ट को दिया है, ये केवल राजनीति के अंदर कई बार लोग लीडरशिप का मतलब राजनीति के इस छोटे दायरे को मान लेते हैं, जीवन के हर कदम पर हर निर्णय फैसले लेने में आपकी नेतृत्व क्षमता हमेशा आपको नई ऊर्जा, नई ताकत, नई सोच देगी। इसलिए व्यक्ति के जीवन में लीडरशिप, नेतृत्व करने की क्षमता अद्भुत होनी चाहिए। हमारी संवेदना, हमारा ज्ञान संवेदना के साथ सहयोगपूर्ण तरीके से साथ मिलना, और इसीलिए दुनिया के अंदर हमने चर्चा, संवाद, डिबेट, इनसे रास्ते निकालते गए। ये बात सही सीपी जोशी साहब ने कहा कि चिंता हमारे लिए कि संसदीय लोकतंत्र से
बेहतर शासन चलाने की कोई सर्वश्रेष्ठ पद्धति नहीं है। दुनिया ने भी अभी माना है कि शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है तो संसदीय लोकतंत्र है, और इसीलिए संसदीय लोकतंत्र के अंदर जितनी चर्चा होगी, जितनी डिबेट होगी, कानून बनाते समय, नीतियां बनाते समय, उनकी समीक्षा करते समय जितनी आलोचना सहित नीतिगत निर्णय पर डिबेट, सहमति असहमति, वह हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती रहेगी। और उसके लिए विधानसभा लोकसभा की संस्थाएं वह जितनी सशक्त होगी, जितनी मजबूत होगी, उतना ही हमारा संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा। और यह हमारी हमेशा चिंता का विषय रहता है। हम हमारे काम को करते रहते हैं, हम लगातार इस प्रयास में हैं कि हम संसदीय लोकतंत्र को एक सशक्त और मजबूत कर सके। आने वाले जनप्रतिनिधियों के अंदर नेतृत्व क्षमता, उनके सोच चिंतन, लोगों के विचारों को ठीक से सदनों में रखना, इसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं कि वह जनता से जुड़े हुए, उनको जितना अनुभव होता है उस अनुभव का लाभ देश को मिले, राज्यों को मिले, और उससे बेहतर नीतियां बने और नीतियों से जीवन में परिवर्तन आए। और इसीलिए इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में जितने कानून नीतियां बनी उनमें कई कई ये परिप्रेक्ष्य था कि भारत के अंदर इन नीतियों कानून बनाने से लोगों के जीवन में परिवर्तन करना, उनको अधिकार देना, पारदर्शिता लाना और शासन की जवाबदेही करना। और हमारे संविधान का हमेशा, जितना आप संविधान पढ़ोगे उसमें कहीं ना कहीं सारा सारा निचोड़ यही है कि हम एक पारदर्शी शासन के साथ, जवाबदेही शासन के साथ हमारी कार्यपालिका हो और कार्यपालिका की जवाबदेही विधायिका के प्रति हो। और इसीलिए आज मुझे खुशी है कि आपने इस कार्यक्रम को रखा है, और मुझे आशा है कि आप परस्पर सहयोग से, वार्ता से, चर्चा से, संवाद से, सहयोग की भावना से, संवेदना के साथ अपने मानवीय जीवन में हमेशा संवेदना रखेंगे। समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे हम सामूहिक संस्कृति से, सहयोग की संस्कृति से समाज जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है। देश का नौजवान जब विचार करने लगा, मेरी कुछ न कुछ जिम्मेदारी समाज के प्रति, देश के प्रति है, मेरी ड्यूटीज है, मैं जो काम कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई के बाद रिसर्च कर रहा हूं, इनोवेशन चिंतन कर रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं देश का विचार होना चाहिए। हमारी हर कार्य संस्कृति के अंदर जब देश हमारे बीच में होगा, राष्ट्र हमारे बीच में होगा, समाज का अंतिम व्यक्ति हमारे बीच में होगा, तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी परिवर्तन ला सकते हैं। और ये परिवर्तन हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व क्षमता से दुनिया के अंदर भारत की शक्ति, सम्मान, ताकत को बढ़ाया है। हमारे नौजवानों के सामर्थ्य का उपयोग किया है, और आज भारत नेतृत्व की क्षमता की ओर, हर दिशा की ओर बढ़ रहा है। हर आपदा चुनौतियों के मुकाबला और उसका समाधान भारत से निकल रहा है। ये ताकत हमारे 140 करोड़ जनता की है, और इसीलिए हम कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर भारत नेतृत्व करेगा, तो उसकी नेतृत्व करने की अगर सबसे बड़ी ताकत है तो हमारे नौजवान हैं, उनकी सामर्थ्य है, उनकी ऊर्जा है, उनका सोच है, उनका चिंतन है, और यही हमारा आज का महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए कि हमें भारत को परिवर्तन करने में योगदान करना है, नए भारत में मेरा ही योगदान होना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।